तो मैंने शर्ट भी निकाल दी अपनी। अभी तो वहाँ पे कर रखे खड़े, उसके बाद हमने अंदर डालना है। अब समझ आया कि फालूदा क्यों खिलाया गया था हमें। पहले फालूदा खिलाया, फिर हमारा ही फालूदा बनाया यहाँ की। हाँ चलो, तब तक पहले पूरा सामान डाले उधर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में सब होंगे खुशहाल। तो फिर से लौट आए विश्वास। तो ये अपनी मॉर्निंग चाय बनने वाली है भाई। तो गए अपने स्टूडियो जाने का टाइम हो गया। हाय, आज तो मौसम मेरे दिल नाल लारनी तुलाउण वाली है। दिल तेरा जद टुटगा तो पता लगूगा। हाय, तो पहुंच गए स्टूडियो के बाहर। अब चलते धीरे धीरे स्टूडियो के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी और बाल धोने मैंने इतने लंबे रख रखे हैं भाई, बोलूँ क्या, इनकी वजह से ज़्यादा पसीना आ जाता है। क्या करें, बाल थोड़ा इस बार सोच रहा हूँ बड़ा रख लूँ, क्योंकि एक गाने के लिए मैं अभी पाल रहा हूँ इन बालों को। उसके बाद काट दूंगा जब टाइम मिलेगा, जब लगे कि ज़्यादा बड़े हो गए तब इनको बढ़ा दूंगा। इधर भी सीढ़ी है ना। तो पहुंच चुका है स्टूडियो में, अपना ही इस बार भी आ चुका है। आज थोड़ा सोनी का वो देखते हैं हम सेटिंग। तो भाई इसके चले हमारे शूटिंग अपने आशीष भाई और ये हमारे डी ओ पी सर। आयुष भाई, आई रेडी? ओके, म्यूजिक प्लीज। अच्छा मैंने बजाना है। तो दोस्तों हो चुका अपना लंच, आज हितेश भाई के साथ किया मैंने लंच। हितेश भाई का टिफिन आ रखा था घर से, तो काफ़ी मस्त खाना बनाती है हितेश भाई की मम्मी, एकदम क्या ही बोलो, काफ़ी टेस्टी बनाते। बट मैं भी बनाता हूँ, पर हितेश भाई की मम्मी तो बहुत ही टेस्टी खाने बना रखे थे, मज़ा आ गया खाने में। तो बस अब हो चुका लंच, अब थोड़ा काम करेंगे फिर से अपना। हितेश भाई तो चला रहे प्रेमर प्रो, और हमारे पीछे ब्लैक कस्किन। अभी यहाँ पे आयुष भाई की गाने की शूटिंग हुई थी, वो भी आएगा बहुत जल्द आपके बीच में। तो अब तक हम भी कुछ कर लेते हैं। तो हो गया अपने घर जाने का टाइम, हम चलते हैं घर की ओर धीरे धीरे। ऑफिस वर्क ख़त्म, अब चलते हैं घर की ओर। भाई बाल कितने बड़े हो गए भाई पूरे एकदम। चलो तो बस अब निकलौनी में पहुंच चुका हूँ। पीछे से ट्रेन आने का टाइम हो गया, तो भीड़ काफ़ी लग रही थी। हाय, वैसे अच्छी लाइटिंग आ रही है अभी गाड़ी के मुंह पे, एकदम काफ़ी चेहरा ग्लो कर रहा है। हाय, तो पहुंच चुका हूँ मैं रूम पे, काफ़ी थक चुका हूँ पैदल चल चल के। थोड़ा नहाना कर लेते क्योंकि बॉडी पूरी हीट मार रही है गर्म। हाय, थोड़ा रेस्ट करता हूँ उसके बाद जाऊँगा। तो आ गया हूँ मैं नहा के, और थोड़ा बाल भी सेट किए गए ड्राई मार के। भाई अभी थोड़ा सही है, और जो दाढ़ी थी वो भी साफ कर ली, ज़्यादा वैसे थी भी नहीं, थोड़ी थी, हटाई दी मैंने। हर्षित भाई तो पता नहीं कहाँ जा रखा है, अभी आएगा शायद। तो हमारा खाना बन के रेडी है, आज बना रखा जीरा राइस, रोटी और दाल, और अभी सलाद काटूँगा, प्याज और खीरा। तो चलो तब तक हम डिनर करते हैं अपने रात का, और हर्षित भाई भी थोड़ा काम करे तो बुला लेता हूँ उसको। भाई हाय, तो थोड़ा टहलने निकले हैं अभी रात को इधर उधर। हाँ मज़ा आ रहा है टहलने में। तो अभी आए हम फालूदा खाने। हाय हाय, मामा मैं और अम्मू फालूदा खाने के लिए। ये खा रहे हम फालूदा रात के 11 बजे। तो ये है हमारे बॉस का नया सामान आ रखा है, और रात के यहाँ बज गए 11:30 और ट्रक पहुँचे इतने लेट। तो अब समझे हम फालूदा क्यों खिलाए गए हमें, ये काम करना था हमें। ये चल रही यहाँ पे मेहनत रात 11:30। हाय चलो, तो लास्ट के 2-3 स्टेप ले रखे हैं, और काफ़ी थक चुके हैं भाई, पसीना पसीना आ गया है पूरे। अब तो मैंने शर्ट भी निकाल दी अपनी। अभी तो वहाँ पे कर रखे खड़े, उसके बाद हमने अंदर डालना है। अब समझ आया कि फालूदा क्यों खिलाया गया था हमें। पहले फालूदा खिलाया,
फिर हमारा ही फालूदा बनाया है यहाँ की। हाँ चलो तब पहले पूरा सामान डाले उधर रख, खाली खाली कर दी। हाय तो यार सामान अभी यहाँ से और अंदर जाना है। तो फाइनली अपनी फट के हाथ में आ चुकी, इतना सारा सामान पीछे देख रहे हो अभी तो, और भी बाहर भी अब पसीना एकदम भिगाई दिया पसीने ने। अरे अभी तो इतना ज़्यादा वो आ रहा है, कल तो लेट ही में जाऊँगा स्टूडियो क्योंकि यहाँ इन्होंने रात के बजाते 12 और मेरे भी। हाय चलो पहले यहाँ का निपटाते हैं उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो काम पूरा निपटा दिया, काफ़ी थक चुका यार, यहाँ पानी की प्यास लग गई और इधर पानी वाला भी नहीं है। हाँ दुकान भी तीस रात बंद हो रही है, 12 बजे काम चलेगा। हो तो निपटा दिया पूरा काम लेबरों की तरह, गांव की याद आ गई आज। हाँ हमारे बॉस ने आज फालूदा कर दिया, इज्जत का नहीं जो फालूदा किया खाया था उसका। हाँ तो फाइनली पहुँच चुका हूँ अपनी गली में, लग रहा है कि जैसे जिम करके आ रहा मैं सुबह सुबह, काफ़ी मज़ा आया भाई, पूरे पसीना बहा के आया आज भाई भगवान। चलो चलते हैं रूम की ओर। और रूम पे हाथ मुँह धो लिया, पूरा शरीर एकदम अच्छा हो गया। तो हम तो जा रहे थे बकेती करने के लिए आज, काफ़ी मज़ा आया बकेती करने में। मामा ने कहा आओगे, तो हमने कहा हमसे बेहतर बकेती कोई कर नहीं सकता, तो हम पीछे पूरी बकेती करके आए अभी। तो ओके दोस्तों, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।